नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, सर्दियां दिन पर दिन अब बढ़ती ही जाएंगी, तो इससे ऐसा है कि कुछ परमानेंट पौधे ऐसे होते हैं जो सर्दियों में हमारे डोरमेंसी में चल जाते हैं। डोरमेंसी में मतलब उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, कुछ पीरियड के लिए उनकी ग्रोथ शांत रहेगी और वो एक तरह से डोरमेंसी मतलब सोना, रेस्ट पीरियड में जाएंगे वो। और कुछ परमानेंट पौधे ऐसे होते हैं जो तेज़ी से इस समय ग्रोथ करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि ऐसे कौन से परमानेंट 10 पौधे हैं जो डोरमेंसी में जाएंगे और ऐसे परमानेंट कौन से 10 पौधे हैं जो अब तेजी से ग्रोथ करेंगे इस भरी सर्दी में भी। तो उनके एक एक करके नाम बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहला प्लांट दोस्तों अब जो है अलमंडा। अलमंडा के प्लांट जो हैं सर्दियों में विंटर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इनके पत्तियाँ गिर जाएंगी। कई बार प्लांट जो होते हैं बहुत बेकार कंडीशन में लगने लग जाते हैं, तो प्लांट की ये केयर है कि इनको जितना हो सके धूप वाले एरिया में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इनमें पानी न दीजिएगा। तो ये तो सब केयर में अगले से वीडियो बनाऊंगी, पर मैं आज आपको नाम बता रही हूँ। पहला प्लांट जो है अलमंडा है, ये तो ये डोरमेंसी में जाएगा। अब इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ धीरे धीरे नहीं मिलेगी और जो है ये इनमें फ्लावरिंग भी खत्म या कम के बराबर हो जाएगी। सेकेंड नंबर पे आता है दोस्तों हमारा अपराजिता। अपराजिता भी जो जो विंटर पड़ेगा तो ये डोरमेंस हो जाएगा और इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी, कई बार पत्ते भी झड़ जाएंगे। तो ये प्लांट भी अब शांत होगा, इसलिए इसको ना इसको बीज से लगाने की कोशिश करें ज़्यादा, इसको ना इस पर ज़्यादा फर्टिलाइजर दें और बहुत ज़्यादा इस पर केयर भी अब इसकी कोई ज़्यादा करेंगे तब भी ये पत्ते वगैरह गिराएगा, क्योंकि ठंड इनको पसंद नहीं होती है। नेक्स्ट प्लांट दोस्तों इसी के बगल से देखिए मधुमालती के फूल खिल रहे हैं, ये लास्ट फूल समझिए अब आप इनके, इन कुछ समय के बाद इनके फूल खत्म हो जाएंगे, ये भी पत्ते गिरा के ये प्लांट जो है डोरमेंस में जाएंगे। तीसरा प्लांट बता दिया मैंने आपको दोस्तों। चौथा प्लांट है ये सावनी का, इसे प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये प्लांट भी आप डोरमेंस में जाएगा, इतना डोरमेंस होता है ये प्लांट की सर्दियों में बिल्कुल भी इस पर पत्ते नहीं रहते, एक भी पत्ता नहीं लगेगा और आपको लगेगा प्लांट मर गया। ये प्लांट मरा नहीं होता, जैसे ही फरवरी मार्च का मौसम आएगा ये प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। और देखिए अगर आप इसके पत्ते बने भी रहने देंगे तो सर्दियाँ जैसे हल्की सी पड़ी हैं, तो देखिए अभी इतना भी सर्दियाँ नहीं हो रही थी, दिन की धूप है और धूप वाले एरिया में रखा हुआ है, जब फिर भी इस पर पॉटरी मिल्डी का मुझे हल्का सा अटैक शो होने लग गया है। तो इनकी जो है आपने छटिंग कर देनी है अभी, इसको बिल्कुल जितना हार्ड ग्रोनिंग कर दीजिए, अक्टूबर का महीना लास्ट चल रहा है आने, तो इसको बहुत हार्ड ग्रोनिंग करके विंटर में इसको कोई विशेष फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस प्लांट में हल्का फुल्का कभी पानी दे दीजिए और ये प्लांट जिंदा रहता है, मरता नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों अब जो टिकोमा। टिकोमा की कोई भी वैरायटी इस समय अब आने वाले विंटर में डोरमेंस हो जाती है, इनमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है। आपके पास कोई भी वैरायटी हो, पॉट में लगे हुए प्लांट हो या फिर जमीन में लगी हुई गोराचौरी की वैरायटी हो, बहुत ठंड में इनमें फ्लावर नहीं आएंगे, तो दिसंबर के महीने में आपको इनमें कोई फूल नहीं मिलते हैं। तो मैंने ये भी बताया कि आपको इन प्लांट पर अब हमने बाद में ये जब लास्ट फ्लावरिंग हमारे को मिल रही है, नवंबर तक मिलेगी, उसके बाद इन प्लांट पर फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलती है। तो निराश ना, जिन लोग बिगनर होते हैं, कोई नर्सरी से प्लांट लेकर आया और उसको फूल नहीं दिखेंगे बाद में, अभी उसको फूल दिख रहे होंगे तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। निराश ना होइए, फिर से मौसम आएगा, फिर से प्लांट हरे भरे हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट। ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट भी सर्दियों में डोरमेंस हो जाता है, ये भी पूरे पत्ते गिरा देगा और इन पर भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर सर्दियों में नहीं देना है, बस हल्का फुल्का पानी दीजिए, पत्तों की बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिखेगी, तो टेंशन मत लीजिएगा, फिर से बाद में मौसम आने पर ही हरे भरे होंगे। फिर देखिए ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये प्लांट कहते हैं इसको हेमेलिया, ये भी गर्मियों का ही विशेष प्लांट है, इसमें भी सर्दियों में डोरमेंसी में जाएगा। इसके बाद दोस्तों जेट्रोफा प्लांट, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट बता रही हूँ, जेट्रोफा प्लांट भी, ये भी जितने इसकी जो भी वैरायटी होंगी सब धीरे धीरे पत्ते गिराएंगी। और ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ, शुरुआत होने लग गई है, हल्के पत्ते पीले होने लग गए हैं, तो जेट्रोफा वगैरह के प्लांट भी अब विंटर में डोरमेंसी में जाएंगे। ये फाउंटेन ग्रास है दोस्तों, सर्दियाँ इसको भी पसंद नहीं होती हैं, सर्दियों में ये भी अच्छी ग्रोथ नहीं करते हैं, तो सर्दियों में इस पर भी आपको विशेष फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। इसी के साथ जो है ये मैं दिखा रही हूँ आपको लेंटाना। लेंटाना भी गर्मियों का ही प्लांट है, इसमें भी विंटर विंटर जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही इसकी फ्लावरिंग घटती जाती है। दोस्तों इसके बात करते हैं चांदनी की। चांदनी के पास आपके पास डबल पेटल हो, सिंगल पेटल हो, डॉर्फ वैरायटी, कोई भी वैरायटी हो, तो सर्दियाँ इनको पसंद नहीं होती हैं। सर्दियों में ये प्लांट अधिकांश पत्ते गिरा देते हैं और इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। आप इनमें अनायास ज़्यादा मात्रा में पानी ना दें, हो सके तो प्लांट को धूप वाले एरिया में रखें, कम से कम पानी दें, यही इनकी विशेष केयर होती है। प्लांट को उसकी स्थिति पर छोड़ दें, खुद ब खुद वो रिकवर होता है।
दोस्तों बिंका की वैरायटी चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, सब विंटर में डोरमेंसी में आती हैं, तो इनके फूल भी कई बार प्लांट बचे रहते हैं और प्लांट के फ्लावर छोटे हो जाते हैं, तो इनमें भी ज़्यादा पानी नहीं देना है और धूप वाले एरिया में रखना है, तो इन पर भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह विंटर में नहीं देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह एक्लिफा होता है, एक्लिफा की वैरायटी भी ऐसी होती है कि ये भी पूरे पत्ते अपने सर्दियाँ आने पर गिरा देते हैं और ये प्लांट भी बहुत अच्छे नहीं चलते हैं, तो एक्लिफा का प्लांट भी विंटर में डोरमेंसी में जाता है। अब मैं आपको उन परमानेंट प्लांट के नाम बताने वाली हूँ जो सर्दी में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों फ्लेम वाइन है, कुछ दिनों के बाद नवंबर मिड से आपको हर घर में जो है, कई बार घरों में जो बाहर लगे होते हैं आपको ऑरेंज कलर की फ्लावर्स वाली वाइन दिखेंगी, तो वो यही फ्लेम वाइन है जो विंटर में ढेरों फूल देती हैं और इनको जो है गर्मियाँ पसंद नहीं होती हैं। ये मैं जब सर्दियों में और प्लांट शांत होते तो उस समय इसकी फ्लावरिंग बढ़ जाती है, तो मेरी जो सभी साथ साथ लगी है इसलिए मेरे को पूरा पार्ट दिखा नहीं पा रही हूँ। मैं इनकी जो प्लांट आप लाते हैं नर्सरी से अभी, तो इसकी थोड़ी सी क्रोनिंग वगैरह करके इसको घना बनाएं, अच्छी फर्टिलाइजर मात्रा में इसको दें। दोस्तों ये लॉलीपॉप फ्लावर है, लॉलीपॉप फ्लावर ऐसा होता है ये गर्मियों तो फ्लावरिंग करता ही है, विंटर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसको धूप वाले एरिया में रखिए और खूब कटिंग लगाइए, इसकी लगती रहती है, बस इसको छाया वाले एरिया में मत रखिएगा, खूब फूल देगा ये। दोस्तों अब देखिए ये है हमारे पॉइनसेटिया जो एक परमानेंट प्लांट है, साल भर हम इसको पालते हैं पर इन पे फ्लावरिंग जो है सर्दियों में ही होती है, तो एक ऐसा परमानेंट प्लांट जो सर्दियों में बहुत सुंदर फूल देगा, कलर बदलने लग गए हैं ऊपर से हल्के हल्के, तो इनको जो है सर्दियाँ बहुत पसंद होती, ठंडी ठंडी रातें इन प्लांट को पसंद होती हैं, तो इन प्लांट को जो है सर्दियों में आप धूप में भी रख सकते हैं और फ्लावर खिलने के बाद जब इसके ऊपर के लीव्स जो होती हैं आपकी रेड हो जाएँ या पिंक हो जाएँ या जिस कलर की भी आपकी प्लांट है, वाइट भी होते हैं आजकल, येलो भी आ रहे हैं, इसे बहुत सारी वैरायटी है, वो कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद इसे प्लांट को पॉट में लगा है तो शेड में ले रख दीजिए, बहुत लंबे समय तक इस पर वैसा ही फ्लावर बना रहता है। लिमिटेड मात्रा में प्लांट की सॉइल को चेक करके ही पानी देना चाहिए, बाकी फर्टिलाइजर वगैरह इसको आप दे दीजिए, नहीं दिया है तो इसको प्लांट पर काम करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट परमानेंट प्लांट हमारा जो विंटर में ढेरों फूल देगा और जिसकी कटिंग भी लगेंगी, आप देखिए एक दो तीन कटिंग लगाई है, कितनी सुंदर कटिंग लग गई है मेरी, ये मेरे तो फूल भी खिल रहे हैं पर इस समय जो है इसकी कटिंग भी लगती है, इनमें फूल भी बहुत अच्छे खिलते हैं, परमानेंट प्लांट है, गर्मियों की अपेक्षा इस समय आपको ढेरों फूल देगा ये। ये देखिए मेरे तो बहुत सारे फूल खिलने भी लग गए हैं और नए नए शूट्स भी प्लांट्स में आ रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट परमानेंट प्लांट हमारा जो बोगनवेलिया है, बोगनवेलिया की कुछ वैरायटी के फ्लावर तो सर्दियों में शांत हो जाते हैं पर कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो गुच्छों में फूल देती हैं, उनमें आपको भरपूर सर्दी में जब कोहरा पड़ा होगा तब भी आपको उसमें फ्लावर देखने को मिलेंगी। हाँ दोस्तों एक पत्ता प्लांट और बताती हूँ आपको मैं, ये चंपा जो आप फूल देख रहे हैं सर्दियों में, इनमें पत्ते और फूल आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारी रेड लिली वगैरह होती हैं ये भी सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं करती हैं। हाँ दोस्तों ये वाली वैरायटी है जो मेरी सर्दियों में भरपूर ठंड में इसमें ढेरों फूल मिलेंगे, देखिए शुरुआत हो चुकी है और मैंने इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ भी करा दी है इस प्लांट की, ये प्लांट मेरा जो है अब पूरी सर्दी में यहाँ लाल लाल गुच्छों फूल खिलेंगे। नेक्स्ट परमानेंट प्लांट दोस्तों अब हमारे ये जेरिनियम के हैं, जेरिनियम के परमानेंट प्लांट हम साल भर पालते हैं, इनको बहुत अच्छा फर्टिलाइजर देने का टाइम हो गया है और इनमें अच्छी ग्रोथ अब आपको मिलेगी और तरह तरह के फूल भी देखने को मिलते हैं इस समय जो है जरवेरा में। अभी कुछ समय के बाद मेरे आ रहे थे, कुछ कट कर रखे हैं फूल और कुछ अब फिर आएंगे, सब प्लांट हेल्दी हैं, प्लांट की हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए, उन पर फूलाविंग तो आ ही जाएगी। नेक्स्ट परमानेंट प्लांट दोस्तों विंटर में ढेरों फूल देने वाले हमारे जेरेनियम के हैं, जेरेनियम भी सर्दियों में इसमें तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं, तो ये प्लांट भी अभी आप चाहें तो नर्सरी में भी आ गए हैं, इस प्लांट को नर्सरी से भी ला सकते हैं, पुराने प्लांट हैं तो उनकी बहुत अच्छी केयर करिए, मेरा नया नहीं है पुराना है, पर इनकी ऐसी ग्रोथ आपको गर्मी में कभी देखने को नहीं मिलेगी, कुछ ही दिनों के बाद नवंबर में मैं आपको फ्लावर भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों हिबिस्कस में दो बातें, हिबिस्कस की वैरायटी देसी हाइब्रिड सब तरह सी होती हैं, तो जो इनकी हाइब्रिड वैरायटी हैं वो आपको अब अच्छे फूल देंगी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी हाइब्रिड वैरायटी, इसमें बहुत अच्छा फर्टिलाइजर दीजिए और बहुत अच्छी इनकी केयर करिए, अब इनमें जो है नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे भी अच्छी तरह से करते रहें। इसी तरह से दोस्तों इनकी जो हमारी हिबिस्कस की देसी वैरायटी होती है उनके फ्लावर सर्दियों में कई बार कम हो जाते हैं, तो मैं तो बहुत बड़ा मेरा प्लांट है और पूरी मैं आपको इसको गर्मियों से लेकर अभी तक
तक फ्लावर दिखाती रही। इसको मैं क्या करती हूँ, ऊपर से कट कर देती हूँ, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा रेस्ट करने का समय मिल जाता है, जिससे कि प्लांट हमारे शेप में ही बने रहते हैं। और फरवरी मार्च में बाद में, जैसे नवंबर के, अभी नहीं नवंबर के बाद, वैसे तो प्लांट की आपकी अगर ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है तो अक्टूबर में ग्रोथ इनकी क्रोनिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि प्लांट में थोड़ी बहुत शाखाएं निकल जाए। बहुत ज़्यादा ठंड में इन प्लांट की क्रोनिंग नहीं की जाती है, तो ये आपने यहाँ का टेम्परेचर देख कर आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे सेकुलेंट जो हैं, सर्दियां जन जो पड़ेंगी सेकुलेंट की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो सेकुलेंट वाले प्लांट जो होते हैं, सेकुलेंट में कई सेकुलेंट जो हैं सर्दियों में शांत रह जाएंगे, कुछ सेकुलेंट की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है, और ये वाले सेकुलेंट जो होते हैं ये विंटर में इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो सेकुलेंट भी तरह तरह के हैं, उस हिसाब से इनकी पहचान करके हमने इनकी केयर करनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट सुंदर सा प्लांट हमारे गुलदावरी, जो कि सर्दियों में ही ढेरों फूल देते हैं और रहते हमारे पास पूरी साल हैं। अगर आपने अभी तक अपने पास गुलदावरी कटिंग रेडी नहीं कर रखी तो कर लीजिए, और अगर प्लांट नहीं है तो नर्सरी से भी ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो मैं दिखा रही हूँ, इसको कहते हैं ऑर्नामेंटल कैबेज। तो ये ऐसा प्लांट है, साल भर रहेगा, अभी कुछ कलर नहीं, अब कुछ दिनों के बाद जो है इनकी कटिंग भी लग रही है। कटिंग तो पहले से लगने जाती है, मैंने लगाई नहीं है, अभी प्लांट में बचा हुआ है, और ये बीच में से जो है सफ़ेद रंग का बन जाएगा, अगल बगल जो है इसी ग्रीन पत्तियाँ हो जाएंगी। तो प्लांट का ये फ्लावर होता है तरीके से। दोस्तों मेरे पास बिगोनिया पूरी साल रहता है, पर इनको सर्दियाँ बहुत पसंद होती हैं, सर्दियों की धूप बहुत पसंद होती है, इस तरह से ये परमानेंट प्लांट है। प्लांट तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे हैं जो सर्दियों में ही बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, और कुछ ऐसे हैं कि जो गर्मी में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो पर मैंने आपको सिर्फ परमानेंट प्लांट के नाम बताए कि जो 10 परमानेंट ऐसे प्लांट जो सर्दियों फ्लावरिंग वाले प्लांट, वैसे मैंने आपको कोई फॉलेज प्लांट नहीं बताए, फ्लावरिंग वाले प्लांट के ही नाम बताए जो सर्दियों में आपको ढेर ऑफ फूल देंगे, और जो कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट है जो में शांत होंगे। तो उस हिसाब से आप अपने प्लांट की केयर करें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।